The crux of the battle for 2014 has shifted to one of the oldest cities of the world. Speaking to a capacity crowd, the Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal confirmed that he will take on Narendra Modi in this temple town. With 80 Lok Sabha seats at stake, victory in Uttar Pradesh is imperative for the Saffron Party to achieve its 272 plus target. And so, Mr. Modi is keen to make a strong showing here. नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। Soon after arriving in Varanasi, Arvind Kejriwal took a dip in the holy waters and then took the fight to the opposition. बहुत से लोग मानते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक गलती हुई कि आपकी एक एंटी करप्शन मूवमेंट, जन लोकपाल बिल के इश्यूज बहुत अच्छे जा रहे थे, लेकिन बनारस में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़कर यू आर फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। आप क्या मानेंगे इस बात को? मेरी हार या जीत के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ मैं सत्ता पाने के लिए थोड़ी लड़ रहा हूँ कि मेरे को सीट चाहिए, सांसद बनना है, संसद में जाना है। अगर यही करना होता तो मैं भी एक सेफ सीट ढूंढ लेता, देश में कहीं से भी एक सेफ सीट ढूंढ लेता। देश को बचाने के लिए निकले हम लोग। पिछले 3 साल से जो फाइट कर रहे हैं, पुलिस के डंडे खाए, जेल गए, सब कुछ झेला है, देश को बचाने के लिए किया है। आज बनारस में मैं एमपी बनने के लिए नहीं आया, बनारस में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि देश को नरेंद्र मोदी जी से बचाना है, राहुल गांधी से बचाना है और मोदी जी को भी हराना। तो आप राहुल गांधी के खिलाफ भी क्यों नहीं लड़ रहे? बहुत से लोग 2 सीट से लड़ रहे हैं, आप भी लड़ सकते थे। नहीं, आप कहेंगे 543 सीट से भी लड़ सकते। नहीं, मैं सिर्फ इन 2 मेन कंटेंडर्स की बात कर रही हूँ। कुमार विश्वास गए हैं ना? कुमार विश्वास गए हैं, अरविंद केजरीवाल तो नहीं है। तो कुमार विश्वास है, वो राहुल गांधी जी को हराएंगे। मैं यहाँ पे आया हूँ वाराणसी के लोगों से बातचीत करने के लिए। राहुल गांधी भी हारेंगे इस बार, नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे इस बार। ये चुनाव ऑर्डिनरी चुनाव नहीं है 2014 का, ये इस देश का भविष्य बदलेगा। इट इज गोइंग टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर इस बार आप सोच के देखो, ये 2 पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, एनडीए और यूपीए, इनके जो शहनशाह हैं, एक के शहनशाह हैं नरेंद्र मोदी, एक के शहनशाह हैं राहुल गांधी। अगर इन दोनों को इस बार लोगों ने हरा दिया, ये दोनों कोलैप्स कर जाएंगे और उसके बाद से जो राजनीति निकलेगी, मुझे लगता है उसके 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा और उसके बाद जो इस देश की राजनीति निकलेगी, उसके बाद इस संसद के अंदर अच्छे लोग जाना चाहते हैं। But the visit was not without drama. Kejriwal was attacked with oil and eggs. Every street Kejriwal went to, Modi supporters welcomed him with pro-Modi slogans. देखिए, अभी केजरीवाल जी का यहाँ तो हमने कुछ देखा नहीं, दिल्ली में देखा है, जो भी है तो हम उस पर कितना भरोसा करें? हम जब भी भरोसा करेंगे मोदी जी पर करेंगे। और केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, 49 दिन में गवर्नमेंट से बाहर आ गए, क्या क्या प्रूव करना चाहते हैं? केजरीवाल जी बनारस आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और उन्हें बनारस आना ही नहीं चाहिए था। Varanasi is known to be a BJP bastion, even though the numbers here may be against them, but Aam Aadmi Party's strategy to stay in the public discourse is by making this an AAP versus BJP contest. Reporting from Varanasi with camera person Govind, Anchal Vora, NDTV.